नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गर्ल्स में मैं गंगाराम आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग 19 और 20 मार्च 2022 का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, जो इंटरनेशनल नेशनल इसके साथ ही झारखंड के करंट अफेयर रहेगा, इसलिए वीडियो में बने रहें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 को किसने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, यानी कौन सी ऐसी सीएम है, कौन सी ऐसी मुख्यमंत्री है जो पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली है। ए ऑप्शन प्रकाश सिंह बादल, बी ऑप्शन मनीष सिसोदिया, सी ऑप्शन भगवंत मान और डी ऑप्शन अरविंद केजरीवाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भगवंत मान। कौन होगा? भगवंत मान जो है पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, ये रहे भगवंत मान। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, यानी भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में 16 मार्च 2022 को भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कला में शपथ ली है। यानी भगवंत मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं और कब शपथ लिए हैं, ये 16 मार्च 2022 को लिए हैं, जो कि भगवंत सिंह के पैतृक गांव जिसका नाम है खटखड़ कला, वहाँ शपथ लिए हैं। और भगवंत मान का जन्म 17 अक्टूबर 1973 को हुआ था, पंजाब के संगरूर जिले के सतोज गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1973 को पंजाब में, और पंजाब के एक संगरूर जिला है वहाँ, और संगरूर जिला के सतोज एक गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था मोहिंदर सिंह, जो कि एक टीचर थे, यानी अध्यापक थे। और भगवंत मान ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी स्टार्टिंग शिक्षा चीमा नामक गाँव के एक सरकारी स्कूल से प्राप्त की थी। कहाँ से की थी? तो चीमा नामक एक गाँव था जो सरकारी स्कूल था, वहाँ से प्राप्त की थी। ये आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली है। ये भगवंत मान जो है ये पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री बने हैं, और कौन पार्टी से जीत हासिल की है? तो आम आदमी पार्टी से। पंजाब के जो राजकीय पुष्प है ग्लेडियोलस है, और वहाँ की राजकीय पक्षी बाज है, और पशु काला हिरण, वृक्ष शीशम, और पंजाब की जो राजकीय लोकनृत्य है वो भांगड़ा है। सेकेंड क्वेश्चन है, 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस यानी IGC सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ए ऑप्शन मुंबई, बी ऑप्शन नई दिल्ली, सी ऑप्शन कलकत्ता और डी ऑप्शन बंगलोर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली में 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस है, इसका सम्मेलन का जो आयोजन होगा कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। ये रहे नई दिल्ली का लोगो। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, यानी दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। जो अभी प्रेजेंट टाइम पे CM कौन है, मुख्यमंत्री दिल्ली के, तो अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल जो हैं अनिल बैजल हैं। सहयोगी संस्था के रूप में केंद्रीय खनन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के साथ बांग्लादेश, नेपाल तथा श्रीलंका की विज्ञान अकादमी भी इस आयोजन में हिस्सा लेगी। इस आयोजन में कौन कौन देश हिस्सा लेगी? तो बांग्लादेश लेगी, श्रीलंका लेगी और नेपाल लेगी। सम्मेलन की जो थीम है, इस सम्मेलन का जो थीम है भू विज्ञान समावेशी भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान। इसका जो थीम है क्या है? तो इसका थीम है भू विज्ञान समावेशी भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक कांग्रेस सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में, और 3 दिन का यह सम्मेलन भू विज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करने का विशेष जो है मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन यानी FCEV टोयोटा मिराई का उद्घाटन किसने किया है? यानी नई दिल्ली में जो दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जो है सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई का उद्घाटन किसने किया है? ए ऑप्शन राजनाथ सिंह, बी ऑप्शन पीयूष गोयल, सी ऑप्शन नितिन गडकरी और डी ऑप्शन निर्मला सीतारमण। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नितिन गडकरी। कौन होगा? नितिन गडकरी हैं, ये रहे हमारे नितिन गडकरी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, यानी टोयोटा मिराई दुनिया के सबसे पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में से एक है। बोल रहा है कि जो टोयोटा मिराई है यह दुनिया के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में से एक है, और यह शुद्ध हाइड्रोजन से पैदा होने वाली बिजली से चलता है। ये जो है चलता कैसे है? तो शुद्ध हाइड्रोजन से जो पैदा होता है उसी के बिजली से चलता है। इसे एक वास्तविक शून्य उत्सर्जन वाहन भी माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? तो एक शुद्ध उत्सर्जन वाहन, क्योंकि कार ट्रिपलाइन से सिर्फ पानी का उत्सर्जन करती है। क्या करती है? तो
जो कार पाइपलाइन होता है उसके पानी का उत्सर्जन करती है। नितिन गडकरी एक भारतीय राजनीतिक है तथा भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग जहाजरानी जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। जो नितिन गडकरी हैं कौन मंत्री हैं तो सड़क परिवहन राजमार्ग जहाजरानी जल संसाधन और नदी विकास के मंत्री हैं। इससे पहले वे 2010 और 13 तक वे भारतीय जनता पार्टी के क्या रहे थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। कौन तो नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के राजस्व विज्ञान ने जो था कौन सा ऐसा स्टेट है कौन सा ऐसा राज्य है जहां का राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है या राज्य है जहां राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप कौन ऐप तो दिशांक ऐप लॉन्च किया है। यानी ए ऑप्शन नागालैंड, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। कहाँ होगा? कर्नाटक, कर्नाटक होगा। ये रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। कौन रहे? कर्नाटक के मुख्यमंत्री। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत और राजधानी बंगलोर है। इस ऐप का उद्देश्य नागरिकों को भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि और उसके स्वामित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यानी इसका मेन उद्देश्य है ऐप का कि डेटाबेस में दर्ज भूमि और उसके स्वामित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। अच्छी आदत कैंपेन झारखंड के किन जिलों में अभियान चलाई गई है? ए ऑप्शन खूंटी, बी ऑप्शन रांची, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी ऑप्शन हजारीबाग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा खूंटी और रांची दोनों, यानी सी ऑप्शन ए और बी दोनों होगा इसका राइट आंसर। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यानी खूंटी जिला के तोरपा एवं कर्रा के 41 गाँव एवं रांची जिले की ओरमांझी प्रखंड के 9 गाँवों में IJK सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से प्राची फाउंडेशन रांची के द्वारा ग्रामीणों के बीच अच्छी कैंपेन चलाया गया है। क्या बोल रहा है कि जो खूंटी जिला है उसके दो जो तोरपा और कर्रा के हैं उसके 41 गांव एवं रांची जिले के और मांझी प्रखंड के 9 गांवों में IJK सर्विस से प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से प्राची फाउंडेशन रांची के द्वारा ग्रामीणों के बीच अच्छी आदत कैंपेन चलाया गया है। कैंपेन के माध्यम से बच्चों को हाथ धोने के तरीके, नाखून काटने के तरीके एवं फायदे तथा मास्क पहनने की जानकारी दी गई है। इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है तो हाथ धोने के तरीके, नाखून काटने के तरीके और फायदे तथा मास्क पहनने की जानकारी दी गई है। गांव स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को एक मास्क, प्रत्येक परिवार को एक नेल कटर दिया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति को एक मास्क और प्रत्येक परिवार को एक नेल कटर दिया जाएगा। हाल ही में राज्य के किस जिले में खुदाई से कीमती पत्थर और हड्डी के टुकड़े मिले हैं? यानी कौन सा ऐसा जिला है जिसमें को मैंने खुदाई से कीमती पत्थर और हड्डी के टुकड़े मिले हैं? यानी रामगढ़, बोकारो, साहेबगंज, हजारीबाग। इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर होगा हजारीबाग में है मैंने खुदाई से कीमती पत्थर और हड्डी के टुकड़े मिले हैं। कहाँ? तो हजारीबाग में। अब हम लोग इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यानी पुरातात्विक विभाग का मानना है कि यहाँ 1000 साल पहले एक बस्ती हुआ करती थी जो बाद में समाप्त हो गई। क्या? तो 1000 साल पहले एक बस्ती थी जो कि बाद में समाप्त हो गई है। यहाँ के लोग जो हैं जलाने के भी प्रमाण मिले हैं, साथ ही बर्तन, राख आदि दैनिक उपयोग की चीज़ें भी वहाँ मिली है। हाल ही राज्य के हजारीबाग जिले से खुदाई से कीमती पत्थर और वहाँ पे सभी और वहाँ जो हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड के भोरनपुर से मिले हैं। यह पत्थर काफ़ी चिकने और अनेक रंग के हैं। कुछ पत्थर पारदर्शी प्रकार से भी हैं। आज हम लोग वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय